तीन अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं तीन अल्फाज ऑनेस्टी um, um, और कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क माशाल्लाह और आई थिंक शी इज ऑन टाइम पंक्चुअल भी बहुत हाँ, पंक्चुअल है, है। जी वेलकम वेलकम बैक बैक कैसे हैं हैं आप सब? अगले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले दस साल पहले हैं सवाल पूछता तब ओडीआई एनी डे यू प्रीफर ओडियाईज ओडियाई मैंने यूनिस खान से ज्यादा बेहतर कैप्टनसी की नहीं क्यों दूसरे को बड़ा बनाना चाहिए फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पाकिस्तानी टीम को कोच जरूर करूंगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। इसकी क्या वजह मेरा टेम्परामेंट नहीं है कोचिंग वाला नहीं और आ, आ, मैं हमेशा वो करता हूं जो मेरा दिल कहे और मेरा दिल इस चीज पे सोचने की तरफ भी नहीं आता सोच है। सोच भी नहीं रहे ख्वाब में भी आ जाए तो आप कहते हैं देखिये मुझे नहीं पता कल को मेरे लिए अल्लाह तला ने क्या लिखा है आपकी सोच भी चेंज होती है टाइम के साथ हर चीज होती है लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे तो नॉट इवन वन परसेंट लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव या फिर घर पे ही मूवी डिपेंड करता है किस मूड में और लेट नाइट ड्राइव किसके साथ हो रही है लेट नाइट ड्राइव अकेले होनी चाहिए क्योंकि लेट नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और उस वक्त स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा आता है फोकस नहीं जाना चाहिए कहीं और गाड़ी पे रहना चाहिए मैं कभी होटल से स्नीकी मार कर बाहर पार्टी करने नहीं गया um, नहीं बता के गया मेरे लिए भी पार्टी, पार्टी, वो है जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है वाह ठीक है वा, मेरे लिए वो पार्टी वाह मेरे लिए वो पार्टी नहीं आप क्लब गए हैं ठीक है वहाँ पे नाच रहे हैं वो नहीं है मेरे लिए पार्टी मेरे लिए ये है कि आप गए हैं और वहाँ जाके आपने गपशप लगाई है आपने म्यूजिक सुना है साथ आपके दोस्त बैठे हैं भाई जितना मजा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी गप लगाने का आता वो किसी चीज में नहीं है मुझे क्लब गए हुए बहुत अरसा हो गया इसलिए मुझे पता नहीं आपके टाइम पे क्लब कैसे थे नाइट क्लब उस वक्त अच्छे थे <laughs> और अच्छे का मतलब अच्छे का ये है कि आप फिर भी गपशप लगा सकते थे दोस्तों के साथ फिर भी आप एजेंडा देखिए एजेंडा यही होता है कि आप गप लगाने गए हो किसी से अच्छी गप ला जाए किसी से नहीं जो आपके साथ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं अपने बेटे को कभी क्रिकेटर बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं करूंगा बिल्कुल ना कि सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा हाँ कुरान हिफ्स कराना मेरी ख्वाहिश है अच्छा माशाल्लाह ठीक है मैं ये चाहता हूँ और उसके आगे ये है कि पढ़े वो और सबकी इज्जत करे माशाल्लाह बस ये चीजें मैं उससे चाहता हूँ उसके अलावा उसको लाइफ में क्या करना है क्या बनना है

था है या रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए मैं अब उससे बहुत आगे आ चुका हूँ मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं और मैं किस, किसी को भी जज करूँ एक उस बेस पे वो मैं ऐसा हूँ नहीं और आ, मेरे ख्याल में बड़ा पन लेकिन आपको लगता है कि दैट ऑफ द रीजन नहीं मुझे नहीं लगता और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को खरीदू जानूँ और फिर उस पर रियक्शन दो बिल्कुल ऐसा भिल्कुल नहीं है आप देखें अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी करना सीख जाएंगे, तो है आप लिए। जितना आपको बर्दाश्त करने की है में, उससे उतना ही ये भी है आपको कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है मेरी उससे मेरे छोटे भाइयों की तरह और कोई मेरी मुझे उससे कोई भी अहतलाफ नहीं है मेरी कोई नाराजगी नहीं है उससे

वो सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा की वजह से बनी और आ, आ, नो डाउट वो सुपर डुपर स्टार हैं तो शादी को जो सारी हाइप मिली वो सिर्फ आ, सानिया मिर्जा की वजह से दिया दिया। दिया दिया। दिया दिया। दिया मानी जी थी जी आई वो इस बारे में बात करी थी कि मानी बड़े अप्रीशियटिव होते हैं जब उनको ज्यादा सक्सेस मिले तो इस पे अफकोर्स यू आर द सेम लेकिन बींग इन दैट पोजिशन यहाँ आपकी वाइफ भी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इस पर आपका क्या कहना है और क्या मैसेज है पाकिस्तानी मर्दों के लिए देखिए मैं खुद भी पाकिस्तानी हूं और मैसेज uh, यह है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना उसको सक्सेस मिले कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप खुश हो जाओ और uh, अगर कोई आपका अपना उसको सक्सेस मिले तो फिर तो आपके पैर जमीन पे नहीं लगने चाहिए वो चाहे uh, आपकी बहन हो चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपकी मां हो चाहे आपकी सास हो इसको इक्वल होना चाहिए मर्द को नहीं ऊपर होना चाहिए ये यूं होना चाहिए और यूं ही चलना चाहिए यूं चलता है तो बहुत अच्छा ही गुजरनी चाहिए बीच में से क्या बात है गौर करो में हम आज आपसे प्लास्टिक वेस्ट की बात करना चाहते हैं प्लास्टिक वेस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों का मसला है लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही कमज़ोर है जिसकी वजह से बहुत से मालियाती और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान दुनिया के लार्जेस्ट प्लास्टिक कंज्यूमर कंट्रीज़ में से एक है पाकिस्तान में तकरीबन एनवली फिफ्टी बिलियन प्लास्टिक बैग्स कंज्यूम किए जाते हैं पाकिस्तान में हर साल ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें से 5 परसेंट प्लास्टिक वेस्ट है एंड एन एस्टिमेटेड 90 परसेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री इज नॉट कलेक्टेड हमारा 65 परसेंट प्लास्टिक वेस्ट साहिलों पे और आबी निजाम में शामिल हो जाता है जिसमें पानी की बॉटल्स प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है हकूमत का प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल जारी है हमने दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद को ठीक करना है जी शेब भाई आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे हाँ मैं एक चीज़ है उस पर जरूर बोलना चाहूँगा प्लास्टिक की जो वेस्टेज है उसको प्लीज हमें बेहतर बनाना चाहिए सबको ताकि हम इस दुनिया को और स्पेशली अपने मुल्क को अच्छा बना सकें और अपने बच्चों को और अपनी जिंदगी को जो है सेहतियाबी के साथ जो है गुजार सकें तो रिक्वेस्ट है यार इसको ज़रा कंट्रोल करें सबसे पहले मैं करूँगा फिर उसके बाद आप लोग भी करें थैंक यू बहुत शुक्रिया इस बात पर गौर करें मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में थैंक यू